हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन. आज आपको दिखाने वाला हूँ लाइव लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी. लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें लेज़र वाला जो ऑपरेशन है वो सबसे लेटेस्ट है. लेज़र वाले ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होती, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती. आज कराया, कल से दिखना शुरू, परसों से अपने काम पे भी लग जाओ. लेकिन मोतियाबिंद की सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी को दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये मोतियाबिंद होता क्या है. मोतियाबिंद, जिसको आम भाषा में सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट भी कहा जाता है, बेसिकली एक उम्र के साथ होने वाली प्रॉब्लम है. इसमें होता क्या है कि अगर आप इस मॉडल को देखें तो आपकी आंख में तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं. एक आगे की पुतली, उसके बाद आंख के अंदर आता है एक लेंस, और उसके बाद आंख में आता है पर्दा. लाइट पुतली और लेंस से होते हुए पर्दे में पड़ती है, और पर्दे से एक नस निकलती है जो आपके दिमाग से कनेक्ट करती है और आप देख पाते हैं. मोतियाबिंद का मतलब है कि ये जो लेंस है आपकी आंख के अंदर, जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है, क्लियर होता है, ये उम्र के साथ सफ़ेद पड़ जाता है या धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से अब मान लीजिए ये सफ़ेद लेंस यहाँ पे आ गया तो जो लाइट आंख के अंदर आ रही है वो इस सफ़ेदी की वजह से रुक जाएगी और कम लाइट पर्दे तक पहुँचेगी, इसलिए आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाता है. अब मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ एक ही है और वो है ऑपरेशन. कोई दवाई, कोई गोली, कोई जड़ी बूटी, कोई आयुर्वेदा, कोई एक्सरसाइज इस मोतियाबिंद को नहीं काट सकती. मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, जिसमें हम ये जो लेंस है आपकी आंख में जो सफ़ेद पड़ गया है, इसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं और इसकी जगह पे एक साफ लेंस डाल देते हैं, जिसकी वजह से लाइट का रास्ता जो है वो क्लियर हो जाता है और आपको दिखना शुरू हो जाता है. अब इस ऑपरेशन को करने के बहुत सारे तरीके हैं. अभी तक जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता था वो हाथों से मैनुअली किया जाता था, कि एक मशीन आंख के अंदर लेके गए, मोतियाबिंद को तोड़ा, चीरा, काटा और उसको निकाल दिया. इस ऑपरेशन में काफ़ी चीरफाड़ होती थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसमें ऑपरेशन लेज़र से होता है. एक लेज़र मशीन, जैसे आप ये देख सकते हो, इसको हम लेज़र मशीन कहते हैं मोतियाबिंद की, और ये मशीन आंख के अंदर लेज़र डाल के मोतियाबिंद को बिल्कुल काट देती है और फिर हम आंख के अंदर बस एक लेंस डाल देते हैं. तो अभी पूरी आपको सर्जरी दिखाऊंगा कि ये किया कैसे जाता है और कैसे कैसे इसका प्रोसेस. तो सबसे पहले आंख में हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, जिससे आपकी आंख जो है वो पूरी तरीके से खुली रहेगी. मैं थोड़ा बोल लूँ ना, घबराएंगे तो नहीं? नहीं. ठीक, सामने देखेंगे ऊपर. तो ये लेज़र मशीन है जिसको हम आपकी आंख के ऊपर पूरी तरीके से डॉक करेंगे. तो सबसे पहले हमने लेज़र की जो मशीन है उसको आंख के ऊपर डॉक कर लिया, और अब इसके आगे का काम सारा कंप्यूटराइज्ड होता है. तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर दिखा देना स्क्रीन पे. अब हमने आगे एक्सेप्ट कर लिया कि कहाँ पे क्या काटना है, और बस अब हर चीज़ रेडी है और मैं लेज़र को बस अब फायर कर दूंगा. तो यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा और लेज़र ऑन हो जाएगा. यहाँ पे दिखा दे स्क्रीन पे एक बार. तो मैंने इसको बटन दबाया और ये लेज़र ऑन, आप देख सकते हो लेज़र रेडी लिखा हुआ आ गया है. और मैंने बटन दबाया, यहाँ लेज़र एमिशन शुरू हो गई, और आप देख रहे हो ये लेज़र आंख को पूरा मोतिया इसका काट रहा है. तो ये ऊपर की कैप्सूल काट दी लेज़र ने, और अब ये अंदर का जो लेंस है ये आप देख रहे हो, ये सारा अंदर का लेंस भी कट गया, और ये सारा कुछ लेज़र से हो रहा है, हमें कोई चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है. बस फिनिश. अब हम अपने इसको लेज़र मशीन को ऊपर कर देंगे, और अब मोतिया पूरा कट चुका है. अब बस हम दूसरे ओटी में जाके इसमें लेंस डाल देंगे.
तो वो दिखाता हूँ कैसे होता है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आंख में लेंस कैसे डाला जाता है। तो ये आप देख सकते हो आंख पूरी रेडी है, वो सामने टीवी पे दिखा दे थोड़ा सा। ये आपकी आंख है जिसमें मोतिया पूरा हट चुका है और बस अब मैं आपकी आंख में लेंस डाल दूंगा। ठीक है माता जी, आपका बहुत बढ़िया हो गया, बंद कर लीजिए आंख।